छिपकली और भैंस। चिल कर रहे थे झुक गई। सही बैलेंस बना। Welcome back to my channel. So today is another daily vlog. So मम्मी यहाँ पे अदरक कूट रही हैं। So मैं भी vlog नहीं कर रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी किसी चीज़ में एंड बट अब मैं नहीं हूँ तो मैंने सोचा कि मैं vlog कंटिन्यू कर सकती हूँ। एंड guess what? बाहर रात हो रही है, अश्विनी कुछ खाने का बना रही है एंड मम्मी चाय बना रही है और सुबह के 4 बज रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम फिर से कहीं घूमने जा रहे हैं। एंड हाँ, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास 3 days 2 nights की ही ट्रिप थी, जबकि हम थोड़ा पास में ही घूम के आएंगे। सो हम जा रहे हैं नौकुचिया ताल, जो कि नैनीताल के पास है, एंड देन भीमताल जाएंगे। सो हमने पहले से रिजॉर्ट बुक कर दिया है वहाँ पे, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे घूमेंगे। एंड अश्विनी आप क्या कर रहे हो? तो अश्विनी क्या बना रही है? मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। पर तूने तो वहाँ पे देखो कैसे तैयार कर रखा है। तो मम्मी को परांठे का बोल रही थी। नहीं, बट मेरे को ये इजी लगा तो मैंने सोचा मैं यही बना लूं। ऐसे हम पहले नहीं जाते थे, मम्मी परांठे बनाती थी, अभी थोड़ा बदल गया है ना। परांठे की जगह दीदी हमारे बना रही है सैंडविच, और मैंने लिटरली कुछ भी पैक नहीं करा है, कुछ भी पैक नहीं किया है। मैं इधर देखना, मुझे लगता है मम्मी ने बहुत ज्यादा टमाटर खाने स्टार्ट किए हैं। गाइज आप कमेंट करके बताना क्यों मैंने ऐसा कहा है। गाइज मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। तो ये है कुछ मेरा आउटफिट जिसमें मैंने अपने शूज नहीं पहने अभी। तो ये टॉप है जो मैंने अर्बेनिक से मंगाया था, एंड आई रियलाइज कि इसके मैं 50 रुपये भी नहीं दूंगी, इतना बहुत ही गंदी क्वालिटी का टॉप है, बस दिखने में अच्छा है। एंड ऊपर से मैंने श्रग पहना। एंड अभी मेरा बस एक काम है जो कि है कि मेरे को अपने कपड़े लिटरली पैक नहीं करने हैं, मैं उठाऊंगी पटकूंगी, मेरे को पता भी नहीं है, और मेरे पास कोई इतने कपड़े है भी नहीं, मतलब मैंने बस थोड़े बहुत मंगाए थे, बस लूंगी पटकूंगी लूंगी पटकूंगी। और मम्मी ने पहले से इतने सारे कपड़े भर रखे हैं, मेरे ये से 3-4 ही कपड़े हैं। मम्मी जगह बनाओ। अरे पप्पी है ना, ये बीच में खड़ा है, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। बट अब ना इसको धीरे धीरे ये देख के समझ आने लग गया है कि चाबी को मोनिका दीदी के घर छोड़ेंगे। देखो कैसे पूछ रहे, चाबी हम आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे बाबा। अब वो भी तो बदतमीज, अब चलते भी नहीं हो हमारे साथ, आप तो बीमार हो जाते हो, है ना? कोई नहीं, आपको भी लेके चलेंगे। तो अभी खाते हैं जो अश्विनी ने बनाया है सैंडविच। गाइस देख लो, हम यहाँ पे बैठ के अपना खाना खा रहे हैं, जो मम्मी अब अपनी ड्यूटी निभा रही है वह छोटे नन्नू को खाना देना। इस बच्चे को तो जरूरी है ना देना। ये तो बेजुबान है बेचारा, ये कोई मुझसे थोड़ी बोलेगा मुझे। तो इसको सुबह सुबह अंडे मिल रहे हैं, चुबेले चुबेले इसको हम 4 अंडे देते हैं सुबह सुबह। हमने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली है, ऑलमोस्ट तो बस यही है सूटकेस जिसमें हम अपने मेन चीजें रखे हैं, कपड़े एंड ऑल, एंड बस वो जावी का सामान रखा है जो हम मोनिका को देंगे इसके खाने के लिए। ये रही हमारी मम्मी। मम्मी बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी अभी तो जा रहे थे, अब फिर से जा रहे हो? हाँ यार चलो, लॉक लगा दे दे इधर से। मम्मी तो खुद बॉक्स लाई हुई है, उठा रही हूँ। सो गाइज मॉर्निंग का इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पता नहीं क्यों जब भी कहीं ऐसे सुबह बाहर जाते हैं मौसम खुद ही अच्छा हो जाता है, कि मौसम कहता है कि लो मैं अच्छा हो गया हूँ और अब तुम मजे कर सकते हो। से इस ट्रिप में हमारे साथ काकू भी जा रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जो हमारी कजन है। यहाँ पर सुबह सुबह एक्सीडेंट हुआ हुआ है बहुत ज्यादा, लोग कैसे चलाते हैं ना सुबह, और इसमें लगी है पूरी। अभी हम रुके शिवा ढाबा पे, इसकी फोटो देखो, मुझे देख के बड़ी हंसी आ रही है, लग रहा है शिवा भैया ने अपनी खुद ही लगा रखी है।
अश्वनी अपने सैंडविचेस निकालो जो आप तैयार करके लाए थे। शिवा ढाबा की बेटी शक्ति चौधरी का ढाबा। शनी आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। अरे आने देना कैमरे में। और मैं जाऊंगी सोती हुई क्योंकि अभी मैं जस्ट सो रही थी, फिर मम्मी ने बोला कि खाना खाने चलो, तो मैं पीछे सोती हुई जाऊंगी। इधर कोई नहीं सोएगा। तो गाइज अभी हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके हैं एंड मुझे तो अलग ही नशे हुए हैं। ये पहाड़ देखते हुए जा रहे हैं, मैं पीछे मुंह खोल के सो रही हूँ, तब से उन्होंने मेरी फोटो भी खींची है। हाँ। वैसे तो अभी बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा मौसम तो हो नहीं रहा, बट लेट्स सी वैसे कुछ व्यू दिखेगा, लेट्स सी क्या दिख रहा है। अच्छा तो है, नाइस तो है। अच्छा हम आ चुके थे क्या पहाड़ों पे? मुझे तो लगा हम हाईवे पे ही थे। मैं घोड़े भैंस सब बेच के सो रही थी, मैं छिपकली और भैंस। नहीं मैं छिपकली और भैंस बेच के सो रही थी। सुनो वो वाली वीडियो नहीं देखी, ढह जाता है, ढह जाएंगे। अरे अश्वनी महिला में क्यों जा रही है, पुरुष में जा। अरे जा लेडीज में मत जा, ऐसे क्यों कर रही है। यार थक गई। हमने चिप्स ले लिए इतने सारे, ऑरेंज ग्रीन ब्लू काकू के स्पेशल तुड़ तुड़े, 10 रुपए तो तुड़ तुड़े। तो गाइस 10 घंटे हो गए हैं, अभी 10 मिनट और बचे हैं। तो गाइस नौकुचिया ताल तो नीचे है और हम इतना ज्यादा ऑफ रोडिंग वाले पे आ गए हैं ना रास्ते पे, बस 2 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से, सब कुछ नीचे रह गया सब कुछ, और हम एकदम पहाड़ की चोटी पर आ गए हैं। और कह सकते हैं इतने संकरे मोड़ है यहाँ पे। और वो वाली है, ये नौकुचिया ताल का सिर्फ एक कोना है, इसके 9 कोने होते हैं ना, इसलिए इसका नाम नौकुचिया ताल है। ये देखो कितनी पतली रोड है, और यहाँ पे जो बोट्स है ना वो है शिकारे वाली छोटी सी, और ये पतला रोड देखो। wow. ऐसे लग रहा है हम यहाँ से सीधा नीचे गिर जाएंगे। आराम से ले लो यार, एकदम ऐसे नीचे गिर जाए। बाय गॉड। और ये हम आ गए द लेक एम्बियंस जो हमारा रिजॉर्ट है। यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है एंड हमको क्यूट लग रहे हैं, एंड अगेन हम सीइंग क्यूट क्यूट क्यूट। तो अभी हम जा रहे हैं इनके रूम देखने के लिए। वैसे मैं बता दूँ हम इस रिजॉर्ट में इसलिए आए हैं क्योंकि हम हिमालयन हस्की की वीडियो देखी थी। हाँ आधा हट के दिखा रही हूँ पूरा हिमालयन हस्की। हाँ उसकी उनकी वीडियो देखी थी इस मक्को आया था। हाँ तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, और पहले भी हम सौरव जोशी का एक ब्लॉग देखा था, इसलिए मुक्तेश्वर में हम एक होटल में गए थे जो कि बहुत अच्छा था, और ये भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग ही रहा है। सो गाइज मैं भी आपको रूम टूर दे देती, इससे पहले हम यहाँ पे सामान लेकर आए, अपना सारा रूम वैसे ही गंदा हो जाएगा। तो हमने 2 रूम लिया है, एक ये और एक ये, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये है हमारा रूम, ये ऐसे यहाँ पर बेड है, ऐसी सीलिंग है, एंड यहाँ पर है अलमीरा, यहाँ पे है लॉकर, और यहाँ पे कैटल और जो भी होता है चाय बनाने का सामान, यहाँ पे है टीवी और टीवी लेज, और यहाँ पे है वॉशरूम जो कि छोटा है बट इट्स वेरी क्यूट। क्यूट के अलावा और क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ नहीं मुझे बताओ क्या बोलूँ मैं। एंड दूसरा ये वाला रूम है जो कि ऑलमोस्ट सेम है ऐसे करके, एंड यहाँ पर वॉशरूम है अगेन, टीवी एंड सेम 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 यहाँ पे बैठने का एरिया, एंड देन यहाँ से छोटी सी टेरेस है जो कि कनेक्टेड ही है, एंड देन वहाँ पर भी एक टेरेस है जहाँ पर हम जा सकते हैं, एंड देन उसके उधर एक और भी टेरेस है, एंड देन अभी मुझे पता चला कि जो नौकुचिया ताल है ये अभी जो हम भीमताल देख के आए थे ना उससे छोटी है, बट वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे, वहाँ पर
पैदल का रास्ता है तो हम वैसे जा सकते हैं। मम्मी अपने सारे झोले फोले और ये देखो और क्या लेके आई है, खरबूजा भी लेकर आई है। अच्छा नहीं, यहाँ पे इनका मेन्यू पड़ रही है, वेज अल्फ्रेजी, काकू क्या छोटू है क्या, टपरी पे काम करने वाले। सो अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लंच के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है। देन हम आएंगे वापस, देन थोड़ा रेडी होंगे, एंड देन नीचे अभी हमने कैफे देखा था और भी बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं वहाँ पे और बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो वहाँ पर जाएंगे। ओके, तो आई गेस वो है इनका रेस्टोरेंट, इधर से नीचे जाने का है। जस्ट लुक एट द व्यू मैन, बस थोड़ा अच्छा और मौसम हो जाए जैसे जगनेशु में हुआ था। कुछ फ्रूट लगे ना, अच्छा नहीं तोड़ लूँगा क्या पता इससे हमारी स्किन अच्छी हो जाए, कुछ तो होगा, कुछ अच्छा ही होगा। अभी हमने खाना खा लिया है, हम बस यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हैं और अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में नीचे, और अब मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। ये चिल कर रहे थे बट गिराई मम्मी, मम्मी भसक गई यार, तो और क्या, मुझे झुलाएगी ये ना, बीच में से टूट जाएगा। गिराया क्यों, गिर गई, उठ उधर कर, दिमाग मत खराब कर मेरा, उठा मुझे। यहाँ पर एक पहाड़ी घर में ना शादी हो रही है, कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते। टू फ्रेंड्स जा रहे हैं। सो अभी हम यहाँ पर बोटिंग के लिए आए हैं नौकुचिया ताल में, भीम ताल में नहीं, और मेरा तो ये भी करने का मन कर रहा है। सो हम इस वाली बोट में जाएंगे जो ये शिकारा वाली है। दोनों यहाँ बैठ गए, एक साइड से झुक गई, शनि बैलेंस बना, बस अब सही है। हाँ, कश्मीर में होते ना ऐसे, हमको भी बनना पड़ेगा टर्टल और ये पहननी ही पड़ेगी। ये छोटी है, ये देखो यहाँ पर जाए, ये छोटी छोटी डक, पहली पहली डक को। गाइस मैंने भी पहन लिया है ये टर्टल वाला, मम्मी कह रही है लाइव जैकेट, लाइव चल रही है लाइव जैकेट।